तो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सीएस अनिता सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपने प्रिपरेशंस बेहतरीन तरीके से शुरू कर दी है, ठीक है ना? तो एग्जाम के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बाकी है, एकदम फुल फ्लैजेड अपने प्रिपरेशन मोड में आ जाओ, एकदम वार्म अप हो जाओ कि अब क्या करना है सर, अपने को बचे हुए टाइम में एकदम अच्छे से मेहनत करनी है और अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं गाइड करने वाला हूँ कि आप कैसे 60+ ला सकते हो सीए फाइनल ऑडिट के अंदर। तो देखना, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि नॉर्मली बच्चा परसीव करता है कि यार ऑडिट में मेरे को मार्क्स नहीं आ रहा, बच्चा परसीव करता है कि यार ऑडिट में ना 40 नंबर भी बहुत मुश्किल से आ रहा है। तो अगर ऑडिट में 40 नंबर भी आ जाए मेरे को तो मेरा बेरा पार हो जाएगा यार, मुझे कम ऑडिट की वजह से फेल नहीं होना पड़ेगा। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर ऑडिट में तुमको पढ़ने का सही अप्रोच पता चल गया तो आप ऑडिट में 60+ भी आसानी से लेके आ सकते हो। तो वो 60+ आप कैसे अचीव कर सकते हो देखना। सबसे पहली चीज़, दिक्कत कहाँ आती है कि आप सीए फाइनल के ऑडिट के प्रिपरेशन को स्टार्ट तो कर देते हो मगर आपके इंटर ऑडिट का ही एप्लीकेशन क्लियर नहीं होता। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द स्टूडेंट फेसेस कि भैया मेरा इंटर ऑडिट का ही एप्लीकेशन क्लियर नहीं है, तो मेरे को अपना इंटर ऑडिट का एप्लीकेशन क्लियर करके रखना है अगर मेरे को सीए फाइनल के ऑडिट को क्रैक करना है, ठीक है? यानी कि आपने इंश्योर करना है कि जब आप ऑडिट की तैयारी शुरू करोगे तो अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे 100% फोकस करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज ए मस्ट, बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के काम नहीं बन सकता, ठीक है? अब जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट को खाली समझने से काम नहीं चलेगा, आपने कॉन्सेप्ट को समझना भी है, आपने कॉन्सेप्ट्स को समराइज भी करना है कि आप एग्जाम से पहले 1.5 डेज में रिवाइज कर सकें, आपने कॉन्सेप्ट्स को रिटेन भी करना है, याद भी रखना है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू गो एंड डिलीवर इन एग्जाम, अल्टीमेटली यू हैव टू गो एंड राइट इन एग्जाम, आपने कॉन्सेप्ट्स को रिटेन भी करना है। तो चैलेंज क्या है सर? सबसे पहले अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो ऑडिट की जर्नी में। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है जी? एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट टाइम आप डिसाइड करो कि यार आपको कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं। अगर आपके एग्जाम एक साल बाद है, डेढ़ साल बाद है, तो भाई फुल फ्लैजेड रेगुलर क्लासेस किसी टीचर का लीजिए, स्टडी मैट, आईसीए का स्टडी मैट आराम से साथ में रेफर कीजिए और फुल फ्लैजेड रेगुलर क्लासेस करके साथ में आईसीए के स्टडी मैट को रेफर कीजिए, आप देखोगे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम बहुत अच्छी होगी। और अगर आपके पास टाइम कम है, 2 महीने बाद एग्जाम है, तो फास्ट ट्रैक क्लासेस से भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सकती है अगर आप उस क्लासेस को एकदम ढंग से देखो, डेडिकेशन के साथ देखो, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखो, तो फास्ट ट्रैक क्लासेस से भी वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सकती है, ठीक है ना? तो सर सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना है। उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट को ब्रेकअप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब या तो कॉन्सेप्ट आपका टीचर आपको ब्रेकअप करके दे दे, या तो कॉन्सेप्ट आप खुद ब्रेकअप करो कि भाई मेरे को कॉन्सेप्ट को याद कैसे करना है, हाउ वी शुड रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, ठीक है? कैसे याद करनी है मेरे को? तो मान लीजिए दैट से मेरी क्लासेस अगर आप लेते हो तो वहां मैं कॉन्सेप्ट ब्रेकअप करके देता हूं आपको। अगर आप कहीं भी और से क्लासेस ले रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को ब्रेकअप कैसे करो। कॉन्सेप्ट को ब्रेकअप करने का मतलब क्या होता है सर? अपने हर कॉन्सेप्ट में फिल्टर लगाना होता है कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये मेरे को रीड करके छोड़ना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे को याद करना है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को कैसे याद करना है, ठीक है ना? तो आपने कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली ब्रेकअप करना है। कौन सा पोर्शन मेरे डिस्क्रिप्टिव के लिए रेलिवेंट हो सकता है, कौन सा पोर्शन मेरे एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट हो सकता है, तो आपने क्या करना है सर? ब्रेकअप करना है। उसके बाद जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट को रिटेन करना है। और अगर आप कॉन्सेप्ट को रिटेन करना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो आपको करना होगा कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज। एग्जाम तक कम से कम 5 से 6 रिवीजन चाहिए ही चाहिए। अब सर इतने रिवीजन कहां से होंगे? तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो लगा सर तुम फास्ट ट्रैक क्लासेस से तैयारी करते हो तो 90 आवर्स में तुम्हारा फास्ट ट्रैक में पूरा ऑडिट एक बार के लिए हो जाता है। कितना टाइम लगा सर? 90 आवर्स लगा। ओके, तो 90 आवर्स मतलब आपने एक बार 90 आवर्स में मेरे साथ अच्छे से रिवाइज कर लिया, या फिर आप जहां से भी क्लासेस ले रहे हो अकॉर्डिंगली आप क्या कर लो सर, टाइम का हिसाब लगा लो, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार हो गया, उसके बाद मैं आपको क्लास में गाइड करूंगा कि आपने रिवाइज किस तरीके से करना है। तो उसी मेथडोलॉजी में आपने क्लासेस को एक एक बार साथ में रिवाइज करना है कि क्लासेस भी देख रहे हो साथ साथ एक बार रिवाइज भी कर रहे हो। तो जब तक 90 आवर्स के आपने क्लासेस कंप्लीट करी, मान लीजिए 3 hours into 30 days, साथ साथ आप एक बार रिवाइज भी कर रहे हो, तो टेक्निकली आपका 2 बार रिविजन हो गया, एक बार क्लासेस के साथ एक बार खुद से। उसके बाद आपको मैं प्रोवाइड करूंगा हर चैप्टर का ऑडियो नोट। अब ऑडियो नोट क्या होता है सर? ऑडियो नोट इज द रिवॉल्यूशन दैट वी हैव ब्रॉट इन ऑडिट। तो ऑडियो नोट इतना इफेक्टिव है कि 4 से 5 घंटे का चैप्टर 15-20 मिनट में चुटकी बजाते हुए रिवाइज हो जाएगा। और आपने क्या करनी है, एक्स्ट्रा टाइम जो आप नॉर्मली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, आपने उन टाइम को यूटिलाइज करना है टू हियर द ऑडियो नोट्स। तो यार सुबह उठे हो, वॉशरूम गए हो, स्टार्ट यूजिंग द ऑडियोज। ट्रैवलिंग कर रहे हो, यूज द ऑडियोज। रात को नींद नहीं आ रही, यूज द ऑडियोज। हर पॉसिबल समय में ऑडियो क्लिप को यूज करो, आप देखोगे ऑडिट बार बार रिवाइज हो रहा है। एक दिक्कत क्या आती है सर, एक बार क्लासेस में समझ आ गया बाद में भूल गए, लेकिन जब आप ऑडियो नोट्स को बार बार सुन रहे हो तो वो दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट हमेशा आपके दिमाग में सदा बाहर रहने वाला है।
और फिर सर कॉन्सेप्ट को रिटेन कैसे करना है, याद कैसे करना है। तो देखो सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो जब समझेंगे थोड़ा मोटा कॉन्सेप्ट तो याद हो जाएगा। दूसरी चीज अपन स्पेशल टेक्निक यूज करेंगे क्लास में, तो अपन जब स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं तो उससे भी कॉन्सेप्ट याद हो जाता है। अब स्पेशल टेक्निक हर जगह अलग अलग हो सकती है, किसी जगह निमोनिक हो सकती है, किसी जगह कोई एग्जाम्पल के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हो, किसी जगह आप कोई विजुअलाइजेशन कर सकते हो, प्लस आप ऑडियो क्लिप सुनते हो बार बार, तो उससे भी क्या हो जाता है सर कॉन्सेप्ट अपना रिटेन हो जाता है। अब ये फर्स्ट स्टेप था सर कि मैंने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, मैंने कॉन्सेप्ट का ब्रेकअप कर लिया, कॉन्सेप्ट को रिटेन कर लिया, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया। कॉन्सेप्ट एक दिन में बेटा रिटेन नहीं होगा, आप एग्जाम तक जब कंसिस्टेंटली डेली बेसिस में कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हो, ऑडियो नोट सुन रहे हो, तो आपको अल्टीमेटली ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट याद होने लगेंगे। उसके बाद सर कॉन्सेप्ट को याद करके खाली कुछ भी नहीं होना अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस का भी एक मिक्स्ड एप्लीकेशन होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, केस स्टडी बेस्ड होंगे, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आपने करना भी क्या है सर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से भी नहीं होगा, यू नीड टू नो द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कैसे करना है। आज आपने एकदम जोश में क्लासेस खत्म किया और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन फ्यूचर में आप उसको दोबारा से रेफर ही नहीं कर पाए क्योंकि टाइम बहुत लग गया, टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो गया, तो भाई फर्स्ट टाइम तुमने जो भी टाइम लगाया क्वेश्चंस रिवाइज करने में सारा वेस्ट हो गया, सारा बेकार हो गया। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करो कि भाई आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर एक पॉइंट जहां आपको दिक्कत आ रही है आप उसे मार्क कर रहे हो और उसका जिस्ट बनाकर उसी को अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में इंक्लूड कर रहे हो, वहीं पर नोट डाउन कर ले रहे हो, तो क्या होगा कि आपने क्वेश्चन बैंक एक बार प्रैक्टिस करा, बट जहां भी आपको तकलीफ आ रही है उसका जिस्ट आपने जाके कॉन्सेप्ट नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया। आपको फ्यूचर में क्वेश्चंस रेफर करने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम के पिछले दिन भी आप जब कॉन्सेप्ट नोट रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन बुक अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, प्लस क्वेश्चंस आपने ऑरली रिवाइज करना है, ठीक है, दो से तीन क्वेश्चंस आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज होती है हमारी रिटन प्रैक्टिस। आपको एक चीज समझना होगा, ऑडिट इज नॉट ए ऑरल एग्जाम, इट इज अ रिटन एग्जाम। आपने जाकर एग्जाम हॉल में क्या करना है सर, 3 घंटे पेपर लिखने हैं, और अगर आपने पूरे साल भर सिर्फ ऑडिट 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 किया है, सिर्फ ऑरली चीजों को रीड किया है, तो भैया काम नहीं चलेगा। आपको करनी होगी लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस, हर चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन लिख लिख कर देखिए, रेगुलर बेसिस में टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, 100 मार्क टेस्ट दीजिए, जितना हो सके उतना टेस्ट दीजिए, अपने प्रिपरेशन को आज के आज असेस कीजिए, है ना। एग्जाम हॉल में जाके गलती करने से अच्छा अपने अपनी गलतियों को आज सुधार लीजिए, आज गलतियां कीजिए, अपनी गलतियों को आज सुधार लीजिए और एग्जाम में उस गलती को रिपीट मत कीजिए। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मंत्रा फॉर सक्सेस, ठीक है ना। तो जितना हो सके सर रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिए हमारा जो अपना mentor.com है वो सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप टेस्ट के लिए एनरोल करा सकते हो, ठीक है। और रिटर्न प्रैक्टिस की बात करें सर, तो बहुत जरूरी है कि हर चैप्टर में आपने क्या करना है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने हैं, सेलेक्ट करने हैं और उसको प्रॉपर वे में लिख के देखना है कि मैं एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करता। तो इस तरीके से सर आपने जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है, आपने क्या करना है उसे 3 लेवल्स पर डिवाइड करना है कि सर सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करूंगा, मैं स्टडी मैट रेफर करूंगा, मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, मैं किसी टीचर की बुक मंगाऊंगा, मैं फास्ट ट्रैक क्लास लूंगा, मैं रेगुलर क्लास लूंगा, मैं क्या करूंगा, एक प्लान बनाना है। मैं कॉन्सेप्ट का ब्रेकअप कैसे करूंगा, रिटेंशन रिवीजन में कैसे काम करूंगा, सर के ऑडियो नोट किस तरीके से सुनूंगा, फिर मैं क्वेश्चंस कब प्रैक्टिस करूंगा और फाइनली मैं टेस्ट कब दूंगा। तो आपने एक प्लान बनाना है, एक प्रोसेस बनाना है, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, आपने उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, टिल द डे ऑफ एग्जाम रिपीट करना है, बिना थके बिना हारे रिपीट करना है। तो क्या होगा कि जब आप एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहोगे तो रिजल्ट आना डेफिनेट है। तो आपने प्लान करना है, एक प्रोसेस सेट करना है और इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाता, एंड बिलीव मी द सक्सेस इज बाउंड टू कम। ऑडिट में 60 मार्क्स कुछ भी नहीं है, 70 भी आ सकता है, 70 से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आपने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करा कॉन्सेप्ट को समझने में, रिटेन करने में, रिवाइज करने में, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में, रिटर्न प्रैक्टिस करने में, टेस्ट देने में, तो समझ लो भैया तुम्हारे ऑडिट में बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो वही 40-45 नंबर रह के 40-50 नंबर आके रह जाएगा, हो सकता है 20-25 नंबर ही आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपने इन सारे लेवल्स पे काम कर लिया है तो ऑडिट में 60 नंबर कहीं नहीं गए, मार्क माय वर्ड 60 इज समथिंग दैट यू कैन अचीव। मैं ये तो नहीं बोलूंगा इजिली अचीव, बिकॉज भैया केक वॉक तो है नहीं, सीए का एग्जामिनेशन है, बट यस यू कैन अचीव 60 समथिंग दैट यू कैन अचीव। तो सर आपने इन चारों चीजों में काम करनी है, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, रिटन प्रैक्टिस एंड मेकिंग ए प्लान एंड स्टिकिंग टू द प्लान। एंड कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी ब्रेकअप ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट, हाउ टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एंड फाइनली अगर हम बात करें तो सर आपका डेडिकेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
आप अगर डेडिकेटेड नहीं रहोगे तो यार ये जो भी प्लान बनाओ, जो भी प्रोसेस बनाओ, कोई फायदा नहीं है भाई। 2 दिन फॉलो करोगे फिर तुम क्या हो जाओगे, भटक जाओगे। तो आपने क्या करना है, खुद भी डेडिकेटेड रहना है, एक पैशन के साथ अपने आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पे आप आराम से ऑडिट में 60 या उसके ज्यादा ला सकते हो। अगर आपको मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए तो आई एम जस्ट ए व्हाट्सएप अवे, यू कैन व्हाट्सएप मी एट 863-863-858-5920, ठीक है ना। तो आपको मुझसे सर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी क्लासेस परचेज करनी है अपना mentor.com में विजिट कर सकते हो, राइट। एंड आपको अगर ये चाहिए सर कि मैं आपको गाइड करूं, मैं आपको मोटिवेट करूं, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो सर, मेरे संग जुड़ सकते हो। यू कैन बी ए पार्ट ऑफ माई टीम। हर एक बच्चा जो मेरे साथ जुड़ता है बाय टेकिंग माय फास्ट ट्रैक क्लासेस और माय रेगुलर क्लासेस, वो मेरे टीम का पार्ट बन जाता है। तो मेरा पर्सनल गाइडेंस उसके लिए एग्जाम तक अवेलेबल होता है। और एक चीज और बता दो भाई, तुमने अगर क्लास नहीं भी लिया है ना, तब भी तुमको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए ना, तब भी आई एम जस्ट व्हाट्सएप अवे, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल बी देयर फॉर यू। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, और इस बार मेक श्योर करें कि भाई जो आने वाला अटेम्प्ट है वो आपका आखिरी अटेम्प्ट है।